सभी राज्यों में सरकार के संसाधनों के अतिरिक्त विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की कोशिशें हो रही हैं। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता में कही। सीएम ने कहा कि कई राज्यों ने इस साइजेबल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के बाद प्रदेश के विकास में गति देने में सफलता हासिल की है। हिमाचल इन सारी चीजों में पीछे है, जिसके चलते हमने तय किया है कि यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करके विकास को गति दे सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का स्थान धर्मशाला रखा है, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। सभी राज्यों में सरकारों के संसाधनों के अतिरिक्त विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की कोशिशें हो रही हैं। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई राज्यों ने इन साइजेबल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के बाद प्रदेश के विकास में उसमें गति देने की में सफलता भी हासिल की है। हिमाचल इन सारी चीजों में पीछे है, जिसके चलते सरकार ने तय किया है कि यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करके विकास को गति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट का स्थान धर्मशाला रखा गया है, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस मीट का मुख्य उद्देश्य हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए, देश के अंदर से हो या बाहर से। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बाहरी देशों से निवेश की आने की संभावना बड़ी है। इन्वेस्टर मीट आज तक का धर्मशाला का सबसे बड़ा इवेंट होगा। चंडीगढ़ में सरकारी गाड़ी में 2.5 लाख रुपए चोरी होने के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हुआ उस पर FIR दर्ज करवाई गई है। रही बात मंत्री के संबंध की, तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि इस मामले को राजनीतिक दृष्टि से देखना इतना उचित नहीं है। उचित नहीं लगना, इस दृष्टि से हमने तय किया जो सरकारी संसाधनों के माध्यम से हिमाचल के विकास के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं जहां हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने विकास को गति दे सकते हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़े। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि फिर हमने अपनी बात को ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का जो प्लान किया है उसका वेन्यू भी हमने धर्मशाला में, उसकी तैयारी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और मुझे इस बात को लेकर भी मैं आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि इस इन्वेस्टर मीट को हमने सिर्फ 1-2 सेक्टर तक ही सीमित नहीं किया। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का अभिप्राय यह है कि हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए, थोड़ा ज्यादा जिस रूप में, देश के अंदर, देश के बाहर, सब जगह से। उस दृष्टि से हमने देश के अंदर कुछ जगह हमने रोड शो किए, जिसमें बेंगलोर के, उसके बाद हैदराबाद के, मुंबई के, दिल्ली के, हम गुजरात में अहमदाबाद के, चंडीगढ़ के, और विदिन स्टेट भी हमने धर्म जो है मनाली और शिमला में मिनी कंक्लेव किया। और उसके साथ देश के बाहर भी, जर्मनी के, नीदरलैंड्स के, दुबई। और मुझे इस बात की खुशी है कि बाहर के देशों से भी इन्वेस्टमेंट आने की संभावनाएं बनी है। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में UAE से भी, अबू धाबी से भी, दुबई से भी, और उसके साथ साथ में हम उम्मीद कर रहे हैं जर्मनी और नीदरलैंड से इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर कुछ मित्र हमारे आएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए धर्मशाला कागजों व भाषणों तक सीमित है, जबकि प्रदेश सरकार ने धरातल पर धर्मशाला के विकास की बात की है। कांग्रेस के लोग भाषण और कागजों में ही धर्मशाला का जिक्र करना उचित समझते हैं, जबकि भाजपा ने धर्मशाला के महत्व को देखते हुए साल में 2 बार PM को बुलाकर विकास को गति प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। क्या बन सकता है, आरोप क्या है, चोरी हुआ है, FIR दर्ज हुई है, सरकारी गाड़ी कार्रवाई उसमें उसके मुताबिक होगी, जो FIR दर्ज हुई है उसके मुताबिक होगी। और सारी चीजों को लेकर के हमने जानकारी हमने भी मंत्री से बात की है, लेकिन इसको मुझे लगता है कि इस तरह से
इतना बड़ा फूल देना उसको राजनीतिक दृष्टि से ये उचित नहीं है। सर पिछले कल हमीरपुर में वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।